मैं शायक देव मुखर्जी, म्यूजिक कंपोजर एंड फिल्म डायरेक्टर। एबी न्यूज के सारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। हर हर महादेव। नमस्कार, एबी न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमन राज। तो जैसा कि इस खास मुलाकात में हमारे साथ खास पहचान जुड़ते हैं, इसी कड़ी में आज हमारे साथ तीन कलाकार जुड़े हैं। तीन कलाकार हैं। पहले हैं शायक देव मुखर्जी, जो कि सिंगर हैं, कंपोजर हैं, एज वेल एज वो एक डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ भास्कर हैं, जो कि बड़े अच्छे म्यूजिशियन हैं, और साथ ही प्रियांशु है, जो कि एक्टर है। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एबी न्यूज में। तो हमारे साथ सिंगर देव मुखर्जी हैं, तो क्यों ना आज चूंकि शिवरात्रि है, तो क्यों ना शुरुआत शिवरात्रि के कुछ गाने से हो जाए। मुखर्जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। भास्कर जी थोड़ा सा। ये एक शिव जी पे बंदिश है, राग भटियार में। ये मेरे गुरु जी पंडित मणि प्रसाद जी की बनाई हुई बंदिश है, तो मैं आप सभी के सामने सुनाता हूँ। पति महादेव देवन पति महादेव शंकर मन भाई शेष गंग और चंद्र डमरु हर बजाए देवन पति महादेव गल भुजंग भस्म अंग गल भुजंग भस्म अंग गौरी कोरे संग ध्यान रंग शिव ध्यान धरत हर 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 गाए देवन पति महादेव महादेव महा देखिए, हमारे यहाँ बचपन से ही संगीत का माहौल था। मेरे पिताजी हैं संगीत गुरु हैं, श्री शिवाशीष मुखर्जी, और माता जी भी इसी लाइन में हैं, मिताली मुखर्जी। और जो टैलेंट मेरा जब निखर के बाहर आया सबके सामने, इसका श्रेय मैं दूंगा हमारे स्कूल के टीचर हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, हमें बड़ा किया है पढ़ा के, वो जॉन पॉल सर हैं और सुनीता मैडम हैं। इन्होंने मुझे बाहर निकाला, माइक पकड़ना सिखाया, और बाकी 3 साल की उम्र से ही मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। और गीता जैन मैम भी बहुत ज़्यादा मैं उनका आभारी हूँ कि कुछ टीचर यही कुछ टीचर्स हैं जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और लेटर ऑन मैं गुरुकुल गया, वहाँ पे मुझे अपने भगवान मिले, पंडित मणि प्रसाद जी, उनके पास मैं सीखा हूँ। उनके पास 4 साल रहकर उनकी सेवा करके उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है संगीत में। और एक्टिंग और डायरेक्शन के फील्ड से अगर बात की जाए, तो मेरे गुरु हैं मृत्युंजय शर्मा जी, उनसे मैंने एक्टिंग सीखी, और लेटर ऑन अशोक घोष जी के पास मैंने ट्रेनिंग ली। तो यही मेरा करियर का शुरुआत, और अभी चल रहा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। बिल्कुल, आशीर्वाद तो है। वैसे हमारे साथ भास्कर राय भी हैं। भास्कर राय, बहुत ही कम उम्र में इतना अच्छा म्यूजिशियन आप बने हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये मेरा मतलब 14 इयर्स हो गया इस फील्ड में। तो ये शुरुआत हुआ मेरा यहाँ पर। मैंने पहले सीखता था राजेश आचार्य से, फिर उसके बाद चल गया कैलकाटा बाफिदा के सर के, वहाँ से सीखा। अभी भी उनसे थोड़ा सीख रहा हूँ, फिर अपना स्टूडियो उन्हीं के पास काम वगैरह कर रहा हूँ, और वही सब इन लोग के साथ हम लोग कर रहे हैं अपना। बिल्कुल, तो बहुत सारी गुड विशेस है मेरी तरफ से, आप वाकई और भी तरक्की करें। ऐसा एक्टर, हमारे एक्टर जो है प्रियांशु भी मौजूद है, तो एक डायलॉग तो सुनाना पड़ेगा प्रियांशु। डायलॉग हमारे पास एक है कि जिंदगी और कपड़ा लगभग एक सी होती है, थोड़ा रफू करके देखिए, बिल्कुल नई सिलाई। क्या बात है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और तरक्ता वरक्ता सुनाएंगे? जी बिल्कुल, चलिए। अब अभी शिवरात्रि का दिन है, तो किशोर कुमार जी का गाना है भोले ओ भोले,
आप स्किल दे दीजिए, चलिए स्किल दे दीजिए आप। एक बार बढ़ाइए। भोले हो भोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे वो जो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर ना पी सकूंगा जिस्म हूँ मैं वो जान है मेरी उसको नहीं पहचान है मेरी प्यार मेरा तू जाने मेरे यार को मना दे वो प्यार फिर जगा दे भोले हो भोले। थैंक यू। क्या बात है सर। तो प्रियांशु और भास्कर आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा आप तीनों हमेशा साथ में रहते हैं मोस्टली। हाँ, आप तीनों की बॉन्डिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। कितने सालों से साथ में आते हैं? हम लोग लगभग 3-4 साल हो गया। इनके साथ मेरा 4 साल हो गया। हाँ। भास्कर के साथ और प्रियांशु तो खैर बचपने से मेरे साथ हैं लगभग 12-13 साल है। हम दोनों बहुत काम करते हैं साथ में। जितने भी आजकल दश अवतार मैंने किया है फिर कृष्ण अवतार किया राम अवतार मैंने डिवोशनल पे बहुत सारा बनाया था फिर लेटर ऑन मैंने दुर्गा पे बनाया तो जितने भी मैंने बनाया तो सब में प्रियांशु मेरे साथ रहे हमेशा। क्या बात है आगे भी साथ रहे उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल, अब वैसे मुखर्जी साहब गाने तो आपने सुनाए तो शिवरात्रि के ही गाने सुनाए तो चूंकि मैं बहुत लालची हूँ इस मामले में तो गाने तो आपको बॉलीवुड के और भी ज्यादा सुनाने ओके 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 श्योर श्योर श्योर। तो हमारा जो स्पेशल है वो हम सुनाते हैं। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ मुझको आवाज दो छिप गए हो सनम तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ मैं यहाँ जाने जा ढूंढता फिर रहा वो तुम्हें रात दिन मैं यहाँ से वहाँ सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर रास्ते में कहीं रह गए हम नशी तुम कहाँ मैं यहाँ तुम कहाँ
थैंक यू। अरे 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 क्या बात है, बहुत ही मजा आ गया आपका गाना सुनकर के। वैसे अगले प्रोजेक्ट के बारे में अपने कुछ बताइए मुखर्जी साहब, आपके कई प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी लेटेस्ट मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है, एक शॉर्ट फिल्म है बूट पॉलिश, और इसमें काफी कलाकारों ने मेहनत किया है, काम किया है, और जिसमें स्टारकास्ट जो है वो है हमारे प्रियांशु मंदलवार जी, और हमारे बैकग्राउंड स्कोरर जो है वो है भास्कर रॉय जी, और प्रियांशु मंदिर के बाद के साथ जो बच्चा जो मतलब मेन है इसमें, उसको हीरो कह सकते हैं, हीरो से कम नहीं है वो बच्चा, उसका नाम है अयन मुखर्जी, और अनुराग शर्मा और निशु राज, ये चारों हमारे लीड कास्ट हैं, और हमारे जो कास्टिंग डिज़ाइनर हैं वो हैं प्रियंका शर्मा जी, और भी काफ़ी कलाकार हैं, असिस्टेंट डायरेक्शन में हमारे रितेश राजवीर जी हैं और सृष्टि जी हैं, और एक सारे कलाकारों का समूह बनके ये फिल्म बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, और स्वर क्रिएशंस प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल पे ये फिल्म रिलीज होगी, और ट्रेलर आ चुका है, आप लोग ट्रेलर देख सकते हैं। यानी ये जो बूट पॉलिश है इसमें आप तीनों की बॉन्डिंग एक बार फिर से दिखने वाली है। एकदम एकदम बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग आपको दिखने वाली है, एक बहुत अच्छी स्टोरी मिलने वाली है, बिहार में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से एक बहुत बड़ा हम लोग सोचे हुए हैं इसको करने के लिए बहुत अच्छे पैमाने पे, और ऐसा कुछ जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, बहुत ज़्यादा आर्ट फिल्म भी नहीं, जिसमें इसमें एक्शन भी है, ड्रामा भी है, और काफ़ी मसाला भी है, और आपको सबसे ज़्यादा इसमें एजुकेशन के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, एक एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस होता है, एजुकेशन रहे तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, तो इस पर हमारे एन के राज जो हैं, हमारे जो लेखक हैं इस कहानी के, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा लिखे हैं, अब बस आप लोगों पर है कि आप लोग इस फिल्म को देखें। तो इस बूट पॉलिश पर हम और भी बातें करेंगे, तो फिलहाल पहले देखते हैं उसका ट्रेलर। देखिए ट्रेलर पहले उसका बूट पॉलिश का। जाग रही है धरती सूरज जाग रे प्यारे, भाग रही है दुनिया सारी उड़ जा प्यारे, जाग रही है धरती सूरज जाग रे प्यारे, भाग रही है दुनिया सारी उड़ जा प्यारे, अरे काहे तू ना जागे, अरे काहे तू ना भागे, हो 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 तो बूट पॉलिश का ये ट्रेलर देखा आपने जो बड़ा ही खूबसूरत लगा देखने में, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं आप इस फिल्म के जरिए समाज को। मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि एक तरफ से समाज के लिए ये है कि जो लोअर क्लास में ज़्यादातर लोगों की जो सोच होती है कि जिस फील्ड में मैं हूँ मेरा बच्चा भी उसी फील्ड में रहे, कोई अगर बूट पॉलिश करता है या ऐसे जितने भी काम होते हैं, बहुत जैसे मेरा कहना है या मेरी सोच है, मेरे टीम की भी सोच है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो इसमें एक बाप की स्टोरी है कि एक बाप की इच्छा है, वो बूट पॉलिश करते हुए भी उसके सपने बहुत बड़े हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए बाप अपना पेट किस तरीके से काटता है, और विथ द हेल्प ऑफ मॉरल वैल्यूज़ को साथ में रखते हुए एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, और किस तरीके से अपने बाप के काम को करते हुए, बूट पॉलिश को करते हुए, वो सारे स्ट्रगल्स करते हुए, अपने पढ़ाई को भी रखते हुए, एजुकेशन को एक मस्ट नीडेड
फील्ड में रखते हुए वो किस तरीके से बड़ा बनता है उसमें इस फिल्म में दिखाया गया है। और उसमें भी काफ़ी मसाले हैं, काफ़ी ड्रामास हैं, ट्विस्ट हैं, आप लोग देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये फिल्म रिलीज़ हो चुका है? नहीं, ये फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है, ये ट्रेलर आप लोगों के सामने हमने दिखाया, तो आप लोग ज़रूर से यूट्यूब चैनल हमारा है स्वर क्रिएशंस प्रोडक्शंस, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। और मैं तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल का, ए बी न्यूज़ का, कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके सामने मैं बैठ के अपने फिल्म के बारे में बता सक रहा हूँ। वैसे रिलीज डेट क्या है मूवी की? रिलीज डेट इज स्टिल अ मिस्ट्री, उसको हम लोग अभी रिवील नहीं कर सकते। सो पहले चैनल सब्सक्राइब करें उसके बाद। जी, तो बूट पॉलिश का ट्रेलर देखा आपने, कितना खूबसूरत था। वैसे अब चूंकि वक्त थोड़ा कम है तो सैयद साहब जाते जाते कुछ गाने वाने हो जाए। जो मेरा टाइटल सॉन्ग है वो मैं गाता हूँ, उसमें बैकग्राउंड स्कोर इन्हीं का है और मेरा कंपोजिशन भी है, मैंने गाया। जाग रही है धरती सूरज, तू जाग जा प्यारे, जाग रही है धरती सूरज जाग रे प्यारे, भाग रही है दुनिया सारी उड़ जा प्यारे, अरे कहाँ है तू न जागे, अरे कहाँ है तू न भागे, हो 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 हो। थैंक यू। क्या बात है। वैसे इस बूट पॉलिश में प्रियांशु और भास्कर आप दोनों की भी काफी भागीदारी है, तो कुछ आप अपने बारे में बताना चाहेंगे इस पिक्चर में आपने क्या कुछ किया है? इस पिक्चर में तो मेरा बैकग्राउंड पूरा स्कोर है, पूरा म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर में मेरा दिया हुआ है, और जितना भी इस फिल्म का जितना म्यूजिक वगैरह हो गया टोटल काम मेरा म्यूजिक लाइन में टोटल काम कर। और बहुत ही कम उम्र में ये सब आपने किया है, ये तो तारीफ़ काबिल है। और प्रियांशु जी, मैं इस मूवी में जो किरदार है आनंद का उसको निभा रहा हूँ, उसके जो मिडिल एज है उसको निभा रहा हूँ, और ताकि हम समाज को ये संदेश दे सकें कि कोई भी जो वर्ग है वो छोटा नहीं है, वो अपना काम कर रहा है ताकि वो ऊपर बढ़ सके, तो उसको ये समझना कि वो आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा जो बिल्कुल जो ये बना हुआ है कि हम समझते हैं कि वो अगर कोई रिक्शा चालक है, अपने आप में एक ट्रेंड बना लेते हैं हम लोग कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वही मेरा आगे का करेगा, मेरा आगे करेगा, हाँ, आगे का तो वो चीज़ नहीं, उसको बदलने के पूरी प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये जो आपका कैरेक्टर है कितना इंस्पायरिंग है कैरेक्टर, वो आप लोग फिल्म देखने के बाद वो ऑडियंस बताएगी। आपने रिव्यू दीजिए कितना इंस्पायर्ड हुए आप इस कैरेक्टर को करके। सो मच क्या बात है। तो हमारे साथ तीन कलाकार हैं मौजूद, तो फिलहाल जो है वक्त हो चला है शो को खत्म करने का। तीनों कलाकार के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि शाइक साहब मुखर्जी साहब ने गाना गाया, सिंगर है वो, इसके अलावा भास्कर जो कि म्यूजिशियन है और प्रियांशु एक्टर हमारे साथ तीनों मौजूद थे। तो फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एक बूंद का एहसास भी